ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य ये है कि 7 दिसंबर को एक साइबर थाना के ऑफिशियल नंबर पे कॉल आया और उनके द्वारा बताया गया कि हम बजाज फाइनेंस से बात कर रहे हैं और आपको जो है 2% की फ़ी पे और बहुत चीप दरों पे आपको जो है हम लोन उपलब्ध करा सकते हैं। उसके लिए अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, पैन, आधार, जो है अपना पासबुक, उसके अलावा अन्य डॉक्यूमेंट शेयर करें और हम आपको जल्द से जल्द लोन उपलब्ध कराएँगे। और साइबर थाना द्वारा इस पर जो है वो इमीडिएट जो है वो जांच की गई और पाया गया कि ये जो है वो फ्रॉड का नंबर प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वो प्रतिदिन पोर्टल पे और अन्य जगह पे फ्लैग नंबर था। जब इसकी और जांच की गई SHO साइबर द्वारा और उनकी टीम द्वारा, तो लगातार उस व्यक्ति को जो है वो लूप में रखा गया। लूप में रखने में उसने बताया कि हम बांद्रा कुर्ला से बात कर रहे हैं, बजाज फाइनेंस, कभी बजाज फाइनेंस बोल रहे थे, कभी रिलायंस फाइनेंस बोल रहे थे, कभी धनी फाइनेंस बोल रहे थे, और ये मोडस क्योंकि हमें ऑलरेडी पता था तो इनको और जो है वो गहन से पूछताछ की गई, उनको फ़ोन पे ही लूप पे रखा गया। उसके रिकॉर्डिंग्स भी हमारे पास उपलब्ध हैं और उनकी जब लोकेशन निकाली गई तो पता लगा कि वे वारसलीगंज में चकवाए गाँव में उनकी लोकेशन आ रही है। तुरंत इसमें एक टीम गठन की गई, टीम द्वारा जब छापेमारी की गई तो घटनास्थल से जो है टोटल 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुल 19 मोबाइल फ़ोन रिकवर हुए, 4 सिम रिकवर हुई, 2 मोटरबाइक, 1 चार पहिया गाड़ी, 2 आधार कार्ड, 1 पैन, 2 वोटर आईडी, पासबुक, अन्य चीज़ें जो हैं वो रिकवर की गई हैं। इसमें जो मास्टरमाइंड अभी तक प्रतीत हुए हैं वो अमित कुमार, जो चकवाई के ही रहने वाले हैं, और उनके सहयोगी जो हैं वो ज्योतिष कुमार और धीरज कुमार, ये तीनों व्यक्ति प्राइमा फेसिया जो हैं वो मुख्य रोल में प्रतीत होते पाए गए हैं। और इनका अभी तक जितना पता लगा है आपराधिक इतिहास भी है। नवादा जिला में उनके विरुद्ध, तीनों के विरुद्ध केस जो हैं वो दर्ज हैं। इसके अलावा नालंदा से भी वो जेल गए हुए हैं। साथ साथ जो हैं अन्य राज्यों की पुलिस जैसे कि तेलंगाना, वहाँ से भी ये लोग जेल गए हुए हैं। और ये एक अच्छी जो है वो उपलब्धि है साइबर थाना की, नवादा पुलिस की इन जनरल, और इसके लिए जो है वो अलग से जो हमारी टीम है उनको सम्मानित किया जाएगा। साइबर क्राइम करने वाले जो अपराधी है वो लगातार उनका मनोबल बढ़ता जा रहा है, हालांकि पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन बिहार के नवादा में एक ऐसी खबर सामने निकल के आई जहां साइबर क्राइम करने वाले जो युवक है वो सीधा DSP साइबर जो है प्रिया ज्योति उन पर ही अटैक किया और उनको लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने की कोशिश की गई है। पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की हमारे साथ बात करने के लिए, किस प्रकार से आपको कॉल आया और किस तरह के ठगी करने की कोशिश की गई आपके साथ? जी सबसे पहले हमें ना रिलायंस फाइनेंस के नाम से कॉल आया था कि ऑनलाइन हम पैसे देते हैं, लोन देते हैं और 2% के इंटरेस्ट रेट पे आधे घंटे में आपको लोन क्रेडिट हो जाएगा। तो हम लोगों ने ऐसे ही, मैंने सोचा कि इनको ट्रैप करते हैं। ये मुझे याद है कि फाइनेंस के नाम पे ये जो लोन प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन, ज़्यादातर नवादा से हमने भेजे हैं बहुत लोगों को पकड़ के। तो हमने सोचा कि इसको ऐसे ही ट्रैप करते हैं बातों में, तो हमने बातों में उसको उलझाया। वो फोन डिसकनेक्ट किया, उसने बोला मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ आपको। व्हाट्सएप जब वो किया तो वो बजाज फाइनेंस के नाम से उसके ऑफिस का वीडियो वगैरह उसने भेजा। तो मैंने उसको लिखा कि आप तो रिलायंस फाइनेंस के थे भाई, अब बजाज फाइनेंस का वीडियो भेज रहे हो। तो फिर दूसरा कोई कॉल करता है वो बजाज फाइनेंस का बन के, तो बजाज फाइनेंस का मैं लोन ऑफिसर अभिषेक मंडल बोल रहा हूँ ये करके फिर बात किया। मैंने बोला कि हम लोग भाई आपको ऑफिस, आजकल साइबर क्राइम बहुत हो रहा है तो कि हम ऑनलाइन डाटा नहीं भेजेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स हम सोच रहे हैं कि पर्सनली आके दें, आप कहाँ हैं बताइए, ऑफिस कहाँ है आपका? तो सेक्टर 44 नोएडा में है हम। तो बोले हम लोग भी वहीं हैं, आते हैं। तो बोला हाँ आइए ठीक है। लेकिन फिर वो चढ़ने लगा, गुस्सा करने लगा और बोलता है कि बात करने का तमीज़ है आपको, जबकि इधर से हम लोग कोई गुस्सा वस्सा नहीं किए हैं। तो उसको ये था कि हम लोग उलझाए रखे, आधार भेज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, पैन ढूंढ रहे हैं, भेज रहे हैं, रुक जाओ भाई। वो हमें इंटिमिडेट करता है बोल बोल के कि हम आपका कैंसिल कर देंगे एप्लीकेशन जो आपने अप्लाई किया, जबकि हमने कहीं अप्लाई वगैरह नहीं किया था। वो बहुत अनफॉर्चुनेट था, जितने देर मैंने उससे बातें कर रहे हैं हम लोग उसको उलझा के रखें, उतने देर में हमने पूरी टीम तैयार की और हम प्रोसीड कर गए उसका लोकेशन लेके। तो हमें दिखा कि वारसलीगंज में चकवाए काम में वो दिख रहा है, तो हम वहाँ प्रोसीड किए, हमने वहाँ छापेमारी की। उसकी फैमिली, घर की लेडीज और उसके एक वृद्ध बुजुर्ग पिता में भी थे, दरवाजे पे हम लोग को रोक लिए, बहुत हल्ला गुल्ला मचाए, हमें एंटर नहीं करने दिए उतना समय। वो 15-20 मिनट उन्होंने उलझा कर रखा दरवाजे पे हमें। उसके बाद मैं किस तरह से उनको समझा बुझा के अंदर जब गई तो ये अपने रूम को छोड़ के अपने दादी के रूम में आके लेट गया था। उसने उतने देर में इसने अपने मोबाइल फ़ोन को पानी में, घर में कुआं था उसमें फेंक दिया था। तो मोबाइल तो रिकवर नहीं हुआ, बट हमारे पास ऑडियो सैम्पल्स हैं और वो हमें सवाल लेते, वो
5 लाख रुपया आपको लोन देने की बात कहा कि 5 लाख रुपया 20 मिनट में लोन दे देंगे। तो उस समय आपको नहीं लगा था नवादा में इतना साइबर फ्रॉड का लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और ये 20 मिनट में के? तो उस समय क्या लगा मन में आपको? नहीं, मुझे पता है कि ऐसे ही करते हो। उसने मुझे पूछा कि आपको लोन का कितना रिक्वायरमेंट है, तो मैंने बोल दिया ऐसे भी मतलब 5 लाख। हाँ, तो बस एक सवाल मैडम, अब तक आप लगातार कार्रवाई करते जा रहे हैं और झारखंड की जामतारा वो भी काफी नाम था, नवादा का वारसली एवं विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का साइबर क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है? बढ़ तो नहीं रहा है, ऑब्वियसली घट रहा है, क्योंकि हमारे पोर्टल पे दिखता है पहले बहुत ज्यादा था, अब काफी कम हुआ है, लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत काम बाकी है। और इन लोगों को छोड़ना चाहिए, इसमें क्या ही मिलना है, लोगों को ठग के लोग पैसे कमाते हैं। मैं तो जिसको पकड़ के लाती हूँ बहुत समझाती हूँ, भाई ऐसे क्यों करते हो, इससे समाज ही खराब हो रहा है अपना। और बहुत लोग जिसको आवश्यकता होती है एक्चुअल में लोन के लिए, मतलब जैसे कोई बीमार है, किसी को ऑपरेशन करवाना है, उनको ये लोग ठग लेते हैं, उनसे ही पैसे ले लेते हैं, पहले प्रोसेसिंग फी के नाम पे लेते हैं, फिर कहेंगे GST इतना दीजिए, उसके बाद उसको SMS भेजेंगे, लोन अप्रूवल लेटर भेजेंगे, बोलेंगे कि आपका पैसा क्रेडिट होने में दिक्कत आ रही है, आप इतना पैसा और देंगे तो क्रेडिट हो जाएगा और सब पैसा चला जाएगा एक वापस। ये नहीं देते, साइबर क्राइम करने वाले एक DSP को चुनौती दे दिए थे, तो आप चुनौती को लेकर इतने बड़े कार्रवाई की है या फिर आपको साइबर फ्रॉड के लिए? नो, साइबर फ्रॉड तो ऑब्वियसली था, जो मेरे पास कंप्लेंट्स आते हैं या मैं रैंडम अपने पोर्टल पे भी देखती हूँ कि आज नंबर से यहाँ एक्टिव है तो मैं वहां पे रेड कर लेती हूँ। लेकिन ये जो है, ये तो स्पेशली हमें ही कॉल कर दिया था, तो मैंने सोचा इसको तो छोड़ना नहीं है, इसको तो लाना पड़ेगा, अच्छा, एक सोसाइटी में। इसमें सबसे ज्यादा जो कम उम्र के जो युवा हैं वो लोग काफी देखते सक्रिय है, कुछ सरगना भी है नवादा में जो इसका काम कर रहे हैं। हाँ, सरगना का नाम आया है, ऊपर हुआ है और हमारे पास है, वी आर वर्किंग ऑन दैट, पुलिस अधीक्षक महोदय सर के निर्देशन अनुसार वी आर वर्किंग ऑन दैट। कितने लोगों की टोटल गिरफ्तारी की है आप? 9 लोग हैं, एक महिला है और बाकी 8 पुरुष हैं। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए साइबर DSP थे प्रिया ज्योति, इनके द्वारा कार्रवाई की गई और कार्रवाई के दौरान 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन साइबर क्राइम करने वाले जो पोर्टल पे जो दिख रहे हैं पहले से कम हुआ है, ये DSP के द्वारा दावा किया जाए, लेकिन फिर भी बता दें कि जो साइबर क्राइम करने वाले फ्रॉड है वो अलग अलग तरीका से अलग अलग लोभ देकर लोगों को किसी भी तरह से झांसा में लेते हैं और फिर उनके खाता से पैसा मंगवा कर साइबर फ्रॉड करने का काम करते हैं। नवादा से ABP न्यूज के लिए अमन सिन्हा। Thank you.